इंतजार जारी, आईनी तरमीम ताहाल पार्लियामेंट में ना लाई जा सकी। सेनेट का कई घंटों की ताखीर से रात 11 बजे इजलास हुआ। पीटीआई, जेयूआई और सरदार अख्तर मेंगल की जमा। बीएनपी के सेनेटर ऐवान में मौजूद नहीं। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि अब सेनेट में तरमीम पेश कर दी जाए। लोग हमें तरमीम वाला सेनेटर कहकर पुकारते हैं, हर जगह से फोन आते हैं कि तरमीम का क्या बना। डेप्यूटी चेयरमैन सैदाल खान की सदारत में सेनेट इजलास के दौरान बैंकिंग कंपनी तरमीमी बिल मंजूर। कौमी असेंबली का इजलास भी रात गए शुरू होते ही मुलतवी कर दिया। आईनी तरमीम पर मौलाना को राजी करना हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। आईनी तरमीम पेश करने के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को तरमीम पेश करने के लिए राजी करने की कोशिशें। जराए के मुताबिक फजल रहमान ना माने तो भी तरमीम पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर करा सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सैनेट और कौमी असम्बली में दो तिहाई अक्सरियत हासिल होने का दावा कर दिया। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह सियासी मरकज बन गई। दिन भर हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की दो मरतबा फजल रहमान से मुलाकात। बिलावल ने मौलाना को हुकूमत का पैगाम भी पहुंचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी भी मौलाना के घर पहुंचे। पीटीआई के वफ्द ने भी दिन में दो बार मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। सरबरा बीएनपी अख्तर मेंगल की भी रात गए मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर दोबारा मुलाकात। मुजव्वजा आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी। मौलाना ताऊ रहमान, उस्मान बादीनी और कामरान मुर्तजा भी मौलाना के घर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई की 100% इत्तेफाक। मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जेयूआई खुद जो हमारा आपस का तय शुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। आईनी मुसवदे पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई का 100% इत्तफाक है। तरमीम हर सूरत मंजूर होगी। आईनी बेंचेस बनाने पर इत्तफाक हो गया है। चाहते हैं मुसवदा मौलाना फजल रहमान पेश करें, तासुर ना जाए कि यह बिल हुकूमत का है। हमने तरमीम से मुतालिक जेयूआई की तजावीज़ का खैर मकदम किया। कल जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ उससे गलत फहमी पैदा हुई। हमारे और फजल रहमान के मुश्तरक ड्राफ्ट में एक हरफ का भी फर्क नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से हम पार्लियामान को मजीद ताकतवर बना रहे हैं। पीटीआई के कोई बड़े एतराजात सामने नहीं आए। तर्जुमान जेयूआई बोले, मैं न मानू की रट से मामलात किसी और तरफ जाएंगे। उम्मीद है पीटीआई का वफ्द मौलाना के तजर्बे और सियासत से सीखेगा। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के दो सेनेटर्स के मुनहरफ होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं, हमारे दो सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। लगता है डॉक्टर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। हम उनके इस अमल की मजम्मत करते हैं। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ेकार के सख्त खिलाफ है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे 100 मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आइनी है अटसल, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कानून मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदी की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। बानी पीटीआई ने कहा, किसी सूरत कौम की खुददारी पर समझौता नहीं करूंगा। इनसे आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर की केपी हाउस इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई कैदे तन्हाई में हैं। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी, 5 दिन तक एक्सरसाइज नहीं की, अखबार नहीं दिया गया।
उन्हें जिस अंदाज में रखा गया उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई सेहतमंद और उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें बहनों की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं, बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। पीटीआई का वक्त बैरिस्टर गौहर की क्यादत में बानी पी चेयरमैन से मुशावरत के लिए अडियाला जेल पहुंचा। अडियाला जेल जराए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। आपको एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO के मौके पर एहतजाज करना है लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी चेयरमैन पीटीआई से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात अधूरी रही। पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात पर अडियाला जेल इंतजामिया का मौकफ सामने आ गया। जेल हुक्काम का कहना है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनकी खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बिजली की बिलातातुल फराहमी भी जारी है। बानी पीटीआई को खाना पकाने के लिए कैदी कुक फराहम किया गया है जो उनकी मर्जी का खाना बनाता है। बानी चेयरमैन नाश्ते में कॉफ़ी, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद मुशावरत से इत्तफाक राय कायम करना चाहते हैं। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एक पॉइंट पर ऑन बोर्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सियासी इंजीनियरिंग के लिए पुलिस रूल्स तब्दील किए गए और यमीन गंडापुर ने IG से इख्तियार लेकर अपने पास रख लिए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत का नंबर्स पूरे होने का दावा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोग आईनी तरमीम की हिमायत करें। अरकान के अगवा की खबरों में कोई सदाकत नहीं, जाली बयानियां बनाने वाली पार्टी ऐसी कहानियां घड़ रही है। लाहौर वाके का झूठ सबके सामने आ गया। इन्होंने झूठा बयानियां बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में PTI भी राजी थी, इत्तफाक राय ना होने पर अपने नंबर पूरे करेंगे। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, जो रोने धोने कर रहे हैं अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम तो पास हो ही जाएगी लेकिन इनकी इज्जत नहीं रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मरीम नवाज ने पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने खत्म करने के लिए काबिले अमल और पायदार प्लान तलब कर लिया। पंजाब के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन मुहिम की हिदायत। पंजाब में मोबाइल और माइग्रेंट पॉपुलेशन की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन का भी फैसला। मरीम नवाज का कहना है पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है।